एनपीआर, एनआरसी और सीएए के विरोध में जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित जन गण मन यात्रा के दौरान जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मधेपुरा पहुंचे। यहां भारी सुरक्षा के बीच कन्हैया ने किसानों के फसल लगे खेत में जनसभा की। कन्हैया के साथ कांग्रेस विधायक शकील अहमद भी मौजूद थे। कन्हैया ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार की नीतियां धर्म के आधार पर लोगों का बंटवारा कर रही हैं, लेकिन देश एक बार धर्म के आधार पर बट चुका है, अब हम इसे बटने नहीं देंगे। धर्म का धंधा करने वालों का धंधा बंद करना होगा। कन्हैया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार संविधान की ताकत को कमजोर कर लोगों को असल मुद्दों से भटकाकर धर्म का उन्माद फैला रही है। मौजूदा बजट पर निशाना साधते हुए कन्हैया ने कहा, लोग एनआरसी और सीएए के जुमले में फंसे हैं और उधर सरकार सरकारी संपत्ति को बेच रही है। उन्होंने सरकार के राष्ट्रवाद पर सवाल करते हुए कहा कि यह पहली सरकार है जो सरकारी संपत्ति को बेच रही है। कन्हैया ने कहा कि जब सरकारी विद्यालय नहीं, अस्पताल नहीं, तो सरकारी गृहमंत्री और सरकार का क्या काम है। कन्हैया ने कहा कि नेताजी हेलीकॉप्टर से आते हैं और उनका बेटा विदेश में पढ़ता है, उन्हें पता नहीं चलता कि मधेपुरा और सहरसा के बीच की सड़क पर कितने गड्ढे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार का विकास का ढोल फट चुका है, इसलिए वो एनआरसी और सीएए का मुद्दा लाए हैं। कन्हैया ने लोगों से 29 फरवरी को पटना में होने वाली एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में आयोजित रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। भेदभाव हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये भेदभाव हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है कि ताकि हम एक दूसरे से नफरत करते रहें, हमारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाते रहें और ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा करके नेता बनाते रहें देश में ला करके। आप सोचिए जो ये नफरत फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, उससे क्या हो रहा है। गरीब का बच्चा, उसके हाथ में रॉड थमा दिया गया है और अमित शाह के बेटा के हाथ में बीसीसीआई। आप सोचिए, हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस नेता का समर्थन करते हैं, इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, दिल आया गधी पर तो पड़ेगा गधी। आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, आपने अपना दिल उनको दे दिया है, इस बात से हमको समस्या नहीं है, लेकिन दिमाग है ना अपने आपके पास। आप सोच करके देखिए कि देश के भीतर क्या हो रहा है और जो हो रहा है क्या वो सही है। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो सही के लिए आवाज उठाना भी देशभक्ति है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए।